क्योंकि अभी तो लाइफ चालू हुई है, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो भी करियर, जो भी डिसिप्लिन लेते हो, उस पर एकदम फोकस होके काम करो. जब मैं मोबाइल देख रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ, तो सिर्फ गेम खेल रहा हूँ, वॉक नहीं कर रहा हूँ. यार वॉक करते करते कैसे गेम खेल सकते हैं? लोग कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं. और जब मैं पानी पी रहा हूँ तो सिर्फ पानी पी रहा हूँ, गेम नहीं खेल रहा हूँ. जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो गाड़ी चला रहा हूँ, गेम नहीं खेल रहा. तो हर एक का एक प्रायोरिटीज टाइम दे दो, वरना आपका फ्रेंड फोन करेगा, चल यार पीवीआर चलते हैं, आप बोलोगे हाँ, काम साइड में रख दिया. एने खबर जाए नवरोज से गमे तेरे आई जैसे नहीं, उसको बोलो मेरा फिक्स टाइम है 6 से 7, हम बात करेंगे और बाहर जाएंगे घूमने, बाकी का टाइम अलोकेटेड किया गया है, प्लीज टेक द अपॉइंटमेंट एंड कम. कहो अपने फ्रेंड से. फ्रेंड के लास्ट 3 वर्ड क्या होते हैं, लेटर क्या होते हैं पता है? क्या होते हैं? एंड, एंड ऑफ लाइफ या एंड ऑफ सॉरोस. दोस्त या तो आपके दुख मिटा देता है या तो आपकी जिंदगी मिटा देता है. संजय दत्त की लाइफ में एक दोस्त आया जिसने कॉफी में ड्रग्स मिला के पिलाया, उसको पता भी नहीं था, और उसकी लाइफ पूरी ड्रग्स के साइड चली गई. सुनील दत्त की पूरी जिंदगी निकल गई, उसको उसमें से बाहर निकाला, वो मर गया बेचारा. और संजय दत्त को आज भी अफसोस होता है कि मैं इस लाइफ में क्यों गया. और एक मित्र ने उसको ड्रग्स में से बाहर निकाला. संगत कौन सी है देखो, पार्टी वाली संगत ज्यादा मत करो, राइट? किसी को कुछ चाहिए आपसे, इसलिए वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है. फ्रेंड उसको बनाओ जो आप बनाना चाहते हो. कोई आपको फ्रेंड बनाना चाहते हो उसको फ्रेंड मत बनाओ. यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? ये फेसबुक इंस्टा पे आप क्लिक करे जा रहे हो, रील्स भेजे जा रहे, कौन स्लीपर सेल से पाकिस्तान का क्या पता है यार तुम्हारी लाइफ में आके क्या होने वाला है. तुम्हारी कुछ तो सीक्रेट्स रखो यार. मैं कुछ करना चाहता हूँ पर्सनलाइज, मेरी सीक्रेट होनी चाहिए, राइट? सब कुछ सबको बता देने की जरूरत नहीं है, वरना चल नहीं पाओगे उस रास्ते में. तो ये एक अहम बात है.